लोग तो ये भी कहते हैं कि मदरसे आतंक की ट्रेनिंग देता है। योगी के बारे में पता है? मुझे मैसेज करते हैं लोग, कहते हैं जाके आप मदरसे में पूछो कि मदरसे के बच्चे भारत से ज्यादा पाकिस्तान के बारे में क्यों जानते हैं। बोलता पाकिस्तान बारे में बोलता है। मेवात में दंगे के बाद एक सवाल चारों तरफ से पूछा जा रहा है, क्या असम और यूपी की तरह हरियाणा के मेवात में भी मदरसों पे बुलडोजर से कार्रवाई होगी? क्या मेवात के मदरसों में कुछ ऐसा पढ़ाया जाता है जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए? क्योंकि कहते हैं शिक्षा में वो संस्कार मिलता है जो आगे आकर या तो राष्ट्रवाद पैदा करेगा या राष्ट्र विरोधी ताकतों को जन्म देगा। मेवात के इस मदरसे की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं और कुछ ऐसे तीखे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं। आज 15 अगस्त है, पूरा देश झंडा फहरा रहा है और हम मदरसे में कुछ तीखे सवाल पूछने जा रहे हैं। आइए हम उन सवालों को जानते हैं। मैं आपके किसी एक बच्चे से मिलना चाहता हूँ जो थोड़ा सा मुझसे राष्ट्रभक्ति वाली बात करे। कोई है ऐसा? मैं सारे बच्चों से बात नहीं करूँगा, एक कोई बच्चा है जो राष्ट्रभक्ति की बात कर ले, जिसको राष्ट्रगान याद हो, इस तरीके का कोई बच्चा है? नहीं, अभी 130 बच्चे हैं मदरसे में और 130 मदरसे हमारे साथ इस वक्त विद्यालय में मौजूद है मदरसे में। मैं बस एक बच्चे से मिलना चाहता हूं जो मुझे कुछ राष्ट्र की बात बताए। उनकी तालीम में क्या राष्ट्र पढ़ाया जाता है, यही सवाल सब समझना चाहते हैं। क्योंकि ये बाहर बातें की जाती हैं ताऊ कि मदरसे में राष्ट्र नहीं पढ़ाया जाता, राष्ट्रभक्ति नहीं बताई जाती। और जो बच्चा 6वीं पास करके आ गया यहाँ पर, 6वीं फेल है शायद, वो 6वीं फेल है आप, 6वीं फेल बच्चा ये आ गया यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, आप उसे राष्ट्र की बात नहीं बताएंगे तो बड़ा होकर वो कैसे समझेगा हिंदुस्तान की कीमत क्या? इसीलिए हमारे तमाम दर्शक ये हमसे पूछना चाहते थे। ये सवाल हमारे दर्शकों का है कि एक बच्चा आप मदरसे में देखिए जो राष्ट्रभक्ति की बात कर सके। जी, मौलवियत में जब सारी बातें बताई जाती है मौलवियत में आ गए। नहीं, मैं राष्ट्रभक्ति की बात कर रहा हूँ, राष्ट्रगान राष्ट्रगीत कुछ याद है? एक बात बताओ सर, मतलब जो पढ़ा लिखा है हर एक इंसान, मतलब सभी नौकरी लग रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं, मतलब आपको क्या नौकरी मिलेगी, मौलवी बन के क्या मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, क्या बताओ? मतलब मैं ग्रेजुएशन हूँ, क्या मुझे नौकरी मिली? भाई मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, मैं उस बहस में नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं ये मैं बस इन बच्चों से ये जानना चाहता हूँ, इतने बच्चे हैं मदरसे में, कोई एक बच्चा है जो मुझे राष्ट्र के बारे में बताएगा? किसी को कुछ पता है? पता है आपको कुछ? नहीं पता है? भाई साहब आप पढ़ाते हैं यहाँ पर, तो कौन बताएगा? मतलब 120 बच्चे यहाँ पर हैं आप, मैं तालीम के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि जो तालीम आप लोग दे रहे हो वो कैसी तालीम है? राष्ट्र के बारे में अगर आप नहीं बताओगे बच्चों को तो लोग सवाल उठाएंगे आपको। नहीं, अभी छोटे बच्चे हैं, बोला था अभी छोटे बच्चे, मौलवियत में जब बच्चे आएंगे जब उनके लिए हर चीज़ पढ़ाई जाती है, हिंदी इंग्लिश भूगोल। जाओ भाई साहब गुरुकुल में चले जाओ, छोटा बच्चा आपको पूरी गीता सुना देगा। नहीं, गीता सुना देगा, गीता बढ़िया है, राष्ट्रीय गीता राष्ट्रीय की, गीता तो राष्ट्र की बात करता है, राष्ट्रीय बात करता है गीता, या कुरान राष्ट्र की बात नहीं करता? मैंने कुरान के बारे में नहीं कहा, लेकिन गीता राष्ट्र की बात करता है। गीता और कुरान एक ही तो है, ये बस इतना है, वो हिंदुओं में है, ये मुस्लिमों में है, ठीक है, लेकिन ये है, ये अपनी वो कुरान पढ़ रहे हैं, वो गीता पढ़ रहे हैं, ये बता दो कोई बजरंग दल वाले, सॉरी वो पढ़ाते हो आप गुरुकुल में, बात कर रहे हो भाई गीता पढ़ाते हो तो उसमें भी सिखाते हैं कुरान के बारे में, वहाँ कुरान क्यों पढ़ाएंगे? वो अपना धर्म पढ़ेंगे, राम को राम कहेंगे, आप अल्लाह को अल्लाह कहोगे, वही तो चीज आ गई। ये तो अपने अल्लाह को मान रहे हैं, वो अपने गुरुकुल को मान रहे हैं, ठीक है, वो अपने गीता पढ़ रहे हैं, लेकिन वो राष्ट्र के बारे में भी बता देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप अल्लाह को पढ़ो, हम राम को पढ़ते हैं, मेरी बात आप सुनिए, आप अल्लाह को पढ़ो, मैं राम को पढ़ता हूँ, और आप जिस मतलब आप बात कर रहे हैं ना, आप भगवान अपने भगवान को मानो, अपने भगवान को मानता हूँ, कोई वाहे गुरु को माने, लेकिन राष्ट्र तो सबका एक है ना, भगवान बटे हो सकते हैं, राष्ट्र तो हिंदुस्तान एक है। अब आप बताओ 120 बच्चों में कैमरे के सामने जो दर्शक देखेगा वो क्या समझेगा? बिल्कुल यही समझेगा भाई, इसको कुछ नहीं सिखाया जा रहा। दरअसल इसमें शुरू तो किया था यहाँ पढ़ाई, कुछ आप पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पर, जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा हिमे विद्य हिमाचल
चलिए मैं फिर भी बोलूँगा कम से कम इनको आधा तो याद है, एक बार ताली इनके लिए हो जाए, आधा तो आपको याद है कम से कम। और किसी को याद है एक लाइन कोई? बताऊँ क्या, यहाँ पर इनको मैंने जब देखा था, मैं पड़ोस में ही रहता हूँ, जब ये शुरुआत थी यानी कि अब से तकरीबन 2 साल पहले की बात है, तो यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हिंदी के साथ साथ इंग्लिश के वो लगाए थे इन्होंने, टीचर पढ़ाते थे, मगर अब कुछ दिन के बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे जिनको दी गई है लगातार 2 साल तक कंटिन्यू पढ़ाई हुई है यहाँ पे, अब उसके शायद वो बच्चे फारिग होकर हाफिज होकर वहाँ से चले गए, तो मुझे लगता है जितने भी बच्चे हैं नौजवान जो भी दिख रहे हैं आपके सामने, इतने बड़े बच्चे नहीं है क्या शायद इसमें, कि आपको देख सकते हो कि ज़्यादातर कोई लड़का होगा 17-18 साल, बाकी सारे नाबालिग हैं, क्योंकि अभी इसको क्या कहने आए हो? राष्ट्रगान गाया? नहीं नहीं आता है, नहीं आता। अच्छा भाई, देश के प्रधानमंत्री को तो नाम पता होगा, यो तो बताओ प्रधानमंत्री कौन है देश का? नहीं, एक मिनट भाई साहब, आप मत बताओ यार, हम बच्चों से बात करने आए हैं, आप तो बता ही दो, आप मेरा इंटरव्यू कर लो, हम बच्चों का करने आए हैं। प्रधानमंत्री कौन है भाई? नहीं भाई देखो, आप नहीं है, ठीक है, अब आप ज़्यादा विद्वान हैं इन सबकी भीड़ में, इधर से बोलने दीजिए, योगी के बारे में पता है? राष्ट्रपति कौन है पता आपको? तिरंगे में कितने कलर होते हैं? 3। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद, हरा। और किसने बनाया था तिरंगा? राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? हिंदुस्तान के और 3 नाम क्या हैं? हिंदुस्तान, इंडिया, भारत। गुड, आप बताओ भाई, आप बताएं, कुछ पता है देश के बारे में? इंडिया, इंडिया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी कौन है? मोदी कौन है? मोदी देश का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, उनका पूरा नाम क्या है मोदी का? मनमोहन एंड मोदी। भाई साहब, मैं यही देखिए, जो लोग यहाँ पे जिम्मेदार हैं बताइए कि अगर प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होगा, प्राइम मिनिस्टर तो नेशन का है ना, किसी पार्टी का नहीं है ना, तो ये इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि तालीम में थोड़ा सा और व्यवस्था करना चाहिए धर्म के साथ साथ। आप सुना दोगे राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान सुनाओगे या राष्ट्रगीत? राष्ट्रगान सुनाओगे। जन गण मन यत्न आयत जय भारत भक्त विधाता पंजाबी सिंध। पंजाब सिंध गुजराती मराठा जावे नुच्छर गंगा। पंजाब सिंध गुजराती मराठा जावे नुच्छर गंगा। थोड़ा थोड़ा याद है आपकी की तरह, आधा अधूरा याद है, फिर भी हम तो तारीफ करेंगे, बाकी लोगों को एक लाइन भी नहीं याद है। अब आप मुझे एक सवाल बताएं, आप एक सवाल आप मुझे बताओ, ये जो बच्चे आए हैं इनमें से कितने बच्चे जो स्कूल जाते हैं, या सिर्फ मदरसे ही आते हैं सब? ये मदरसे ही आते हैं। तो भाई मदरसे में आप साइंटिस्ट कैसे बनाओगे, अब्दुल कलाम कैसे बनाओगे आप? APJ अब्दुल कलाम साहब तो के पढ़ाओ। हाँ। और APJ अब्दुल कलाम साहब खुद मदरसों के लिए बहुत कुछ बोल कर गए हैं, इसमें मुसलमानों को बुरा क्यों माना जाता है? अब्दुल कलाम नहीं बनते, सभी नहीं बन पाते ना APJ अब्दुल कलाम। अब ये बताओ, हमारा जो PM है वो क्या पढ़ा लिखा है? नरेंद्र मोदी ने पढ़ाई नहीं की है। नहीं किया ना, तभी वो देश का प्रधानमंत्री बना। ये तो आप गलत हो भाई, नरेंद्र मोदी के पास डिग्री है। पहले तो बोला मैं अनपढ़ हूँ, झोले छापू मैं, अब उसके पास डिग्री कहाँ से आ गई? डिग्री है तो है भाई, कहाँ से आ गई डिग्री? शुरुआत में यही बोला था उन्होंने, मेरे पास में झोला छाप हूँ, मुझे तो अगर मतलब नहीं बना तो मैं निकल जाऊँगा झोला लेकर अपना, अब कहाँ से डिग्री आ गई उनके पास? नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे हैं, डिग्री है उनके पास। हर इंसान अपने लेवल का, ये बच्चे बन रहे हैं मौलवी बन रहे हैं, ठीक है, सभी बच्चे मौलवी नहीं बन पाते, ठीक, मैं आपकी बात सहमत हूँ, लेकिन जो बच्चा हिंदी इंग्लिश जो भी ये पढ़ रहा है, हिंदी आती है किसी को? मुझे तो श्लोक भी आता है, हिंदी भी आती है, मैं तो कराग्र वस्ते कर लक्ष्मी सरस्वती वाला हूँ, मैं तो सुबह उठ के हाथ जोड़ के कराग्र वस्ती वाला था, हम तो प्रार्थना करते थे, और मुझे याद था, मैं आप कुरान के बारे में जानता हूँ थोड़ा बहुत जब बड़ा हो गया, पर मैं राष्ट्र के बारे में तब भी जानता था। नहीं, अभी इन बच्चों हमारे स्कूल में प्रधानमंत्री का चुनाव होता था, राष्ट्रपति बनते थे, सब बनते थे, तो बच्चों को बताया जाता था कि आपका सिस्टम कैसे चलता है। अब आप बच्चों को पता ही नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन है, देश का राष्ट्रपति कौन है, इनको ना योगी पता, ना मोदी पता, ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पता, ना राष्ट्रगीत कोई गा पा रहा है। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि फिर आप लड़ाई करते हो नौकरी की, और नौकरी मिलेगी कैसे? नहीं, मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं
अगर जो लड़का ग्रेजुएशन करके भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही, इनमें भी ऐसे ही है, मतलब ये मौलवियत करने के बाद भी जरूर नहीं है हर कोई, सभी ऐसे नहीं है सबको रोज़गार मिल जाए। ये भी कुछ ऐसे बच्चे हैं मौलवियत पढ़े, कुछ मदरसों में पढ़ाएँ, कुछ मस्जिदों में इमामत करेंगे जाकर, ऐसा नहीं है सबको। आरएसएस से बदले की तैयारी कर रहे हो क्या आप? आरएसएस का जिक्र कर रहे थे, आरएसएस का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, आरएसएस की तो सरस्वती और शिशु मंदिर दो तरीके के स्कूल आरएसएस से चलाया जाता है। आरएसएस में क्या राष्ट्रवाद सिखाया जाता है? अरे वहाँ तो राष्ट्रवादी है। कहाँ बोल, कौन बोल? आरएसएस में उन्होंने अभी बीजेपी का झंडा फहराया था, मैंने एक वीडियो है मेरे पास। बीजेपी को तो पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन वहाँ राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी पढ़ाया जाता है बीजेपी का। ये देखो 15 अगस्त वाले जहाँ हमें तिरंगा नागपुर में जहाँ हमें तिरंगा लहराना चाहिए वहाँ पे वो बीजेपी का झंडा फहरा रहे हैं। ये आरएसएस का है, ये बताओ। अब आप बोलते हैं मतलब ये मदरसे के बच्चे मतलब इनको हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं सिखाया जाता, ठीक है बच्चों को नहीं आता, क्योंकि अब यहाँ पे बच्चे जो भी मौली पढ़ाते हैं उनको भी नहीं आता, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कोई बच्चे अगर कोई टीचर भी इन्वॉल्व कर पढ़े। देखा कि आरएसएस वाला वो तो बंदूकों को भी ट्रेनिंग देते हैं, मैंने खुद ने वीडियो में देखा। सब मैं जानने आया हूँ, आरएसएस के लोग बंदूक से देते ट्रेनिंग। देखो एक बार एक सेकंड बंद, आरएसएस के लोग बंदूक से ट्रेनिंग देते हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि मदरसे आतंक की ट्रेनिंग देता है, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसा करो, इस मदरसे में अगर हमारा दीन इस्लाम है ना, वो ऐसा कुछ नहीं देता। ये कहते हैं ना, ये जो ये फिल्मों में प्रोपेगेंडा दिखा देते हैं ना, उसी के बेस पे वही चीज़ हम वही नज़र से हमको देखते हैं। मैं ये कहता हूँ, मेरे पूरे गांव में अगर आपको एक भी कोई भी हथियार अवैध हथियार मिल जाए, सिवा जो घर में जो चाकू जो वो होता है ना सब्जी काटने, उसके अलावा कुछ मिल जाता है तो हम अपने लिख के देते हैं। मैं एक और मैं मदरसों को बदनाम करने के लिए ना, ये जो फिल्मों में दिखाया जाता है सिर्फ वही नज़र से हमको देख। आखिरी सवाल जानना चाहता हूँ, बस आखिरी, अगर इनको हिंदुस्तान के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है तो ये कौन से देश के बारे में पढ़ रहे हैं? नहीं, इस चीज़ से हम भी सहमत हैं, इन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए। इनको फिर कौन से देश की तालीम दी जाए? नहीं नहीं, हम ये कह रहे हैं इनको, मुझे मतलब मुझे लोग मुझे मैसेज करते हैं, लोग कहते हैं जाके आप मदरसे में पूछो कि मदरसे के बच्चे भारत से ज़्यादा पाकिस्तान के बारे में क्यों जानते हैं। बोलता पाकिस्तान बारे में बोलता है वो हमारे इस्लाम के अंदर ये अपने वतन से प्यार करो, जो अपने वतन से प्यार नहीं वो गद्दार है, और हिंदुस्तान के अंदर तो गद्दार है लेकिन इस्लाम के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है, जो अपने वतन से प्यार नहीं करेगा। अगर दूसरे वतन की भाई लोग वतन से प्यार करो, थोड़ा समझो, राष्ट्र के बारे में पढ़ो, वीरों को पढ़ो, क्रांतिकारियों को पढ़ो। शाहपुर नागली गाँव में बहुत सारे क्रांतिकारी पैदा हुए जो 57 की लड़ाई में लड़े, अपना इतिहास जानो, हिंदुस्तान को पढ़ोगे, विज्ञान भी पढ़ो, भूगोल भी पढ़ो और इतिहास भी पढ़ो, और साथ में नए भारत की नई तस्वीर भी देखो, तभी जाके आगे नौकरी के लिए हाथ फैलाओगे, नहीं पीछे रह जाओगे और फिर कुछ मिलेगा नहीं। तो सवाल यही है, मदरसे के भीतर की ये तस्वीर थी, मदरसे में तकरीबन 120 बच्चे थे जिनसे जो सवाल पूछा वो आपने देखा। शिक्षा को लेकर कई सवाल उठाया जाता है, इसीलिए हमने ये देखने की कोशिश की कि 15 अगस्त के दिन मदरसे में राष्ट्रवाद पे शिक्षा क्या दी जाती है। ये मेवात का वही इलाका है जहाँ पे कुछ दिन पहले एक दंगा हुआ था और इस गाँव से भी एक आरोपी था जिससे गाँव वालों ने ले जाकर पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन सवाल राष्ट्रवाद पर हमने सवाल पूछा। मुझे खुद बहुत निराशा हुई, यहाँ पर राष्ट्रवाद इतना कम क्यों है? फिलहाल तालीम है, तालीम पर कोई सवाल उठाता है, कोई संस्कार की बात करता है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं अभिषेक शांडिल, मेवात, ग्लोबल भारत टीवी।